नमस्कार। आज की वीडियो का इंस्पिरेशन मिला मुझे एक छोटे से बच्चे से जिसने कमेंट किया कि मैं मुझे गार्डनिंग का शौक है लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते क्योंकि ये एक बहुत खर्चीला शौक है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कैसे इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, सस्ता बनाएं और साथ ही इसकी जरूरत क्यों है, बच्चों के लिए भी इसकी जरूरत है क्यों है देखिएगा, बड़ों के लिए जो वर्किंग पीपल है उनके लिए और भी ज्यादा जरूरत है क्यों है देखिएगा। तो आइए चल के देखते हैं आज के वीडियो में कि इसकी जरूरत क्यों है और इसे कैसे कम खर्चीला या बिल्कुल लो कॉस्ट या नो कॉस्ट बनाएं। किसी भी इंसान की जिंदगी में एक ना एक एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे गेम हो, चाहे कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो, आर्ट हो, क्राफ्ट। जब तक कोई ऐसी एक्टिविटी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती, एक ह्यूमन लाइफ कंप्लीट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ये आपका स्ट्रेस रिलीज करती हैं, आपको रिजुविनेट करती हैं, आपको एक नई नई ओपनिंग्स देती हैं, तो इसीलिए इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी जरूर आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाए जो कि बोरिंग लाइफ में थोड़ा स्पाइस डाल सके, थोड़े आपकी जिंदगी में रंगत आए। अगर वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है जो आप हाथ से करते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम हुआ, गार्डनिंग भी उसी में से एक है जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, आप हाथ से काम करते हैं और बेस्ट पार्ट गार्डनिंग का ये है कि आप नेचर से भी कनेक्टेड हैं। तो जब ये दो चीजें मिल गई, हैंड्स ऑन एक्टिविटी विद नेचर, तो ये आपकी जिंदगी में कितने रंग लाएगी देखिएगा। और इसीलिए बड़ों के लिए तो जरूरी है ही, उनका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बीच बीच में कोई एक्टिविटी करें, गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए इसीलिए जरूरी है कि नेचर के प्रति जब वो जुड़ते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, तो उनमें एक जिज्ञासा बढ़ती है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, रूट आती है, स्टेम आती है, स्ट्रॉन्ग होती है, प्रोपगेट होता है पौधा, तो जिज्ञासा बढ़ती है कि ये कैसे हो रहा है। और यही चीज उनकी पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होती है, वो खुद ब खुद कैसे साइंस समझेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ ही ये होता है कि जब पढ़ाई से बच्चे बोर हो जाते हैं, बीच में अगर थोड़ा सा टाइम अगर उन्होंने इन एक्टिविटीज को दे दिया, गार्डनिंग को दे दिया, तो वो जो वापस से रिजुविनेट होते हैं तो पढ़ाई को कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी उन्हें ऐसी किसी भी एक्टिविटी से ना रोकिए, दिन में उनका एक घंटा या डेढ़ घंटा फिक्स होना चाहिए। हाँ, टीवी नहीं देखनी है। उस डेढ़ घंटे में आप कोई भी एक्टिविटी करिए, चाहे आप डांस करिए, चाहे आप म्यूजिक में जाइए, चाहे गेम्स में जाइए या फिर गार्डनिंग करिए। गार्डनिंग क्योंकि हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, इसीलिए जब वो हाथ से काम करते हैं तो नेचर के प्रति तो जो प्यार बढ़ा वो बढ़ा ही, लेकिन साथ ही उनकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है। कभी मिट्टी को दबाएंगे, कभी उखाड़ेंगे, कभी काटेंगे, तो उनकी अंगुलियों और दिमाग का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। ये कई सारे फायदे हैं और ये बीज जितना जल्दी हम बच्चे के दिमाग में डालेंगे, आप देखेंगे बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट उतना अच्छा हो रहा है। तो रोकिए मत, उन्हें करने दीजिए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम किस तरीके से बहुत ही कम खर्चे में या नेग्लिजिबल खर्चे में हम बच्चे में ये शौक डेवलप करें। गार्डनिंग के लिए हमें चाहिए सिर्फ तीन चीजें, एक मिट्टी, एक गमला, एक पौधा। बस इन तीनों का अगर हम सस्ता इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बहुत जरूरी नहीं है कि हम अपने वीडियोस में जितनी सारी बातें करते हैं ये डालें वो डालें, ये बात की बातें हैं। अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इन तीन सिंपल चीजों से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए पॉट्स पे आते हैं। पॉट्स इनिशियली आपको खरीदने की जरूरत नहीं होती, घर का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी बॉटल इस्तेमाल कीजिए, आप ऑयल के डब्बे, कैंस, टिन्स जो भी यूज करते हैं, किचन की टूटी हुई क्रॉकरी से लेकर के आप अपने जूते, जीन्स, किसी में भी पौधे उगा सकते हैं। तो कंटेनर इज नो प्रॉब्लम। आपके घर में इतना सामान होता है कि किसी को भी यूज करें, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि उस कंटेनर में नीचे छेद करना है। अगर आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले रहे हैं तो मैंने मॉसरोस के वीडियो में छेद करके एक पॉट बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जितने रिलेटेड वेस्ट मटेरियल को यूज करके मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप आराम से वहां से आइडियाज ले लीजिए। प्लास्टिक के किसी भी बॉटल या डब्बे में आप स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके छेद कर सकते हैं, बड़े लोग उसमें प्लीज मदद करें बच्चों की। और कोई भी अगर टिन है तो उसमें स्क्रू ड्राइवर रख के थोड़ा सा आप ठोकेंगे, टिन में छेद हो जाएगा। कंटेनर में छेद रखना बहुत जरूरी है, और ये क्यों रखना है ये बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए, करते करते अपने आप समझ जाएंगे। अभी मत बताइए छेद क्यों करना है, जब वो देखेंगे छेद में से पानी निकल रहा है तो अपने आप समझेंगे ये क्या हो गया, और फिर सोचेंगे ये क्यों जरूरी है। तो लेट देम एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। ये मेरे कुछ कंटेनर्स हैं प्री के,
ये इनको आपको दिखाती हूँ, ये कुछ मग्स, ये ब्रोकन क्रॉकरी, ये ब्रोकन क्रॉकरी से बनाया है, टूटा सूप बाउल, टूटा हुआ मग, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए, इस किस्म से मिट्टी डालिए और ये देखिए कितना अच्छा स्पाइडर प्लांट इसमें उग रहा है। ये है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जिसमें पेपर मेशी से ऊपर काम करके इस तरीके से पेंट कर दिया और इसके अंदर प्लांट उगा दिया। और ये है एक फालतू मग जो कि चिप ऑफ हो गया था, तो उसमें भी पौधा लगा दिया मिट्टी लगा करके। दूसरी चीज है मिट्टी और खाद की जरूरत। ये अच्छी बात है कि हम इंडिया में रहते हैं, मिट्टी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी नीचे जाइए आपको मिट्टी बहुत आराम से मिल जाएगी, थोड़ी सी मिट्टी ले आइए। एक जो चीज आपको शुरू में खरीदनी पड़ सकती है वो है सिर्फ और सिर्फ खाद, इनिशियली खरीदनी पड़ेगी, बाद में आप अपने ही किचन में से कंपोस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसमें लिंक पे डाल दूंगी, आप कंपोस्ट बनाइए, लेकिन उसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे, इसीलिए पहले 3 महीने के लिए एक बार खाद खरीदनी है। उसका भी मैं सस्ता सोर्स बताती हूँ, जहाँ भी आपके आसपास कहीं गाय पालता है कोई, अगर आपको मिल सकता है तो आप वहां से एक बार उनसे पुराना गोबर ले आइए, 6-7 महीने पुराना गोबर कह के लाइएगा, वो खाद होती है एक्चुअली, उसी खाद का थोड़ा सा पार्ट आप अपनी मिट्टी में मिलाइए, गमला भरिए और पौधा बन जाएगा। 3 महीने तक जब आप अपने घर की कंपोस्ट बना लेंगे, उसके बाद आपको फ्री की कंपोस्ट अपने घर से अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, इससे एक और फायदा होगा, अपने घर का वेस्ट मैनेजमेंट सीखेंगे, किस तरीके से घर की हर फालतू चीज का गार्डन में इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही एक कॉस्ट इफेक्टिव गार्डनिंग का सीक्रेट है। और अब आते हैं हम तीसरे और आखिरी पॉइंट पे, पौधा कहाँ से लाएं? नर्सरी में तो पौधे बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज जो होती है गार्डनिंग की, उसमें आप शुरुआत कीजिए कुछ ऐसे पौधों से जो सिर्फ कटिंग से लगते हैं, बहुत इजी होते हैं और जगह जगह से रूट डेवलप कर लेते हैं, इसलिए उसमें डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। कटिंग से लगने वाले पौधों में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनी प्लांट। अब आप बोलेंगे हम लाएं कहाँ से? अपने आसपास कहीं भी देखिए, जहाँ आपको थोड़ी हरियाली दिख रही है, जो 5 पौधे मैं आपको आज बता रही हूँ, अगर आप उनकी कटिंग किसी से भी मांगेंगे वो आपको मना नहीं करेंगे। आपके बिल्डिंग में नीचे अगर वो 5 पौधे हैं, आप माली से रिक्वेस्ट करेंगे, वो कटिंग आपको बहुत आसानी से दे देंगे। और सबसे अच्छी बात है, सूनर द बेटर, ये टाइम है कटिंग का, माली इस समय ऑलरेडी कटिंग कर रहे हैं, जहां भी कटिंग करके वो फेंकते हैं आप वहां से वो कटिंग ले आइए और आराम से उगा लीजिए, वो उग जाएंगे। तो टॉप पर आया मनी प्लांट। मनी प्लांट की कोई भी स्टेम काट करके आप पानी में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, आपका एक नया पौधा फ्री में तैयार होगा। किस तरीके से मनी प्लांट को उगाना है, इस पर जो वीडियो है वो मैं लिंक डाल दूंगी। दूसरा एग्जांपल है मॉस रोज। मॉस रोज की कहीं से भी आप छोटी सी कटिंग भी अगर ले आएंगे तो वो मिट्टी में गाड़ेंगे, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और उसमें फूल आने लगेंगे। तीसरा सबसे आसानी से उगने वाला पौधा है वंडरिंग ज्यू। वंडरिंग ज्यू दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, पर्पल कलर की पत्ती होती है, बच्चों को अट्रैक्टिव लगती है, और इतनी सी 3-4 इंच की थोड़ी सी टहनी भी आपको मिल जाएगी तो उससे आप आराम से वंडरिंग ज्यू उगाएं। एक और पौधा है टर्टल वाई, कहीं से भी आपको वही 3-4 इंच की कटिंग मिल जाएगी। इन सब पौधों की खास बात ये होती है कि हमने ये स्टेम काट ली, इसको हम ऐसे लिटा के रखते हैं तो हर नोड से रूट्स निकलती हैं और वो बहुत जल्दी रूट पकड़ के फैल जाता है, थोड़ा सा देर लगाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पौधा है जेड। जेड की भी जहां से आपको कटिंग मिले उनसे मिट्टी में गाड़ दीजिए, वो नहीं मरेगा, अपने आप धीरे धीरे उसमें रूट्स आ जाएंगी, वो एक नए पौधे में तब्दील हो जाएगा। ये तो हुई कुछ जो बहुत इजीली ग्रो करने वाली चीजें होती हैं। सेकेंड स्टेज पे हम दूसरे किस्म की टिप कटिंग्स बच्चों को सिखा सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ से शुरुआत कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज बच्चों में जो हमें इनकलकेट करनी है, गिफ्टिंग के लिए जहां तक हो सके क्रीम गिफ्ट दें, अपने हाथ की बनाई हुई, अपने बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट देनी है, अपने हाथ से छोटे छोटे कंटेनर्स पेंट करके उनमें छोटे छोटे पौधे लगा के अपने फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट दें। आप कहीं जा रहे हैं उन्हें भी ऐसी ही गिफ्ट दें, आपके लिए भी सस्ता है, आपको गिफ्ट खरीदनी नहीं पड़ती है, आपकी गिफ्ट घर में ऑलमोस्ट कम खर्चे या फ्री में बन जाती है, साथ ही आप एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा मैसेज सेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो करते रहिए गार्डनिंग, और गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में हमेशा होता है लर्न विद अमलान का फॉर्म, जिसे साइन अप करके आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन ले सकते हैं जिसमें पौधों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी आपको क्लासेस लेनी है, बेसिक गार्डनिंग पे या किसी और टॉपिक पे,
वो हम लर्नविथ अवलान के थ्रू ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए अवलान बात के साथ और मिलते रहिए ऐसे ही। इस वीडियो को बहुत लाइक कीजिए और उससे भी ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर बच्चा जब गार्डनिंग में इन्वॉल्व होगा तो देखिए हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।